बरेली के डॉक्टर की गर्दन पर चाकू रखकर लूटपाट, महिला समेत 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। रामपुर खुद को दवा कारोबारी बताकर एक महिला समेत 5 लोगों ने बरेली के एक डॉक्टर के साथ लूटपाट की। बदमाशों ने डॉक्टर की गर्दन पर चाकू रखकर कैश और 50-50 हज़ार रुपये के चेक हस्ताक्षर करा लिए। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी महिला समेत 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी फरार है। पुलिस ने इस मामले में सभी आरोपियों को जेल भेज दिया है। ये देखिए, वादी विजय कुमार शर्मा द्वारा इस आशय की तहरीर थाना सिविल लाइन्स पर दी गई कि उनसे एक लड़की ने संपर्क किया था और बताया था कि वो दवा कारोबारी है और ये विजय कुमार शर्मा हॉस्पिटल चलाते हैं। इस उद्देश्य से उसने उनके साथ संपर्क साधा। फिर विजय कुमार शर्मा को व्यावसायिक लेन देन के उद्देश्य से रामपुर बुलाया गया और इनके साथ ब्लैकमेलिंग करते हुए इनसे पैसे ऐंठे गए, इनको जान से मारने की धमकी दी गई और इनके साथ मारपीट की गई। उनके द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत करते हुए 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। साथ ही साथ जो धनराशि उनसे ली गई थी उनके संबंध में चेक के तहत बरामद किए गए हैं। 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है और माननीय न्यायालय द्वारा इन्हें जेल भेज दिया गया है। सर, कुछ लोग वांछित भी हैं? हाँ, इसमें कुछ लोग वांछित हैं, अभी विवेचना प्रचलित है। एक व्यक्ति के बारे में जानकारी मिला है कि उसका आपराधिक इतिहास है, थाना पटवारी का हिस्ट्री सीटर है। उसकी गिरफ्तारी के लिए हमारे द्वारा टीम का गठन